दोस्तों 12 मार्च को हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा एक साथ 10 नई वंदे भारत का इनॉग्रेशन हुआ और ये सभी की सभी वंदे भारत ट्रेन अब अपने कमर्शियल सर्विस में आ चुकी है, सभी अपने कमर्शियल रन में चल रही है। और ऐसे में दोस्तों इसमें से कई वंदे भारत ट्रेन ऐसी है जो कि शुरू से ही फ्लॉप नजर आ रही है, मतलब सीटें बुक इसमें नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी भी वंदे भारत ट्रेनें हैं, या फिर मैं कहूँ कि ज्यादातर वंदे भारत ट्रेनें हैं जो कि 12 मार्च को लॉन्च हुई है, वो यहाँ पर सुपर हिट साबित हो रही है। मतलब यहाँ पर लंबा लंबा जो वेटिंग लिस्ट है वो इन गाड़ियों में किराया ज्यादा होने के बावजूद भी लगा हुआ है। मतलब इस ट्रेन में जबरदस्त बुकिंग यात्री कर रहे हैं और ये गाड़ी एक सक्सेसफुल वंदे भारत ट्रेन साबित हो रही है शुरू से ही। और ऐसे ही एक वंदे भारत के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो कि शुरू से ही यहाँ पर सुपर हिट साबित हो चुकी है। और रिसेंटली मैंने आपसे एक वीडियो में बात किया था रांची से वाराणसी वाली वंदे भारत के बारे में, जिसमें यात्री न मिलने की समस्या आई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दूसरी तरफ एक ऐसी भी वंदे भारत है जिसमें यहाँ पर लंबा लंबा वेटिंग लिस्ट लग चुका है, तो इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। रेलवे की तरफ से क्या डाटा मिला है सभी चीजें आपको बताऊंगा, इसलिए प्लीज आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों रांची से वाराणसी के बीच में चलने वाली हमारी जो नई वंदे भारत है जो कि 18 मार्च के बाद अपना कमर्शियल सर्विस दे रही है, इसमें तो शुरू में कुछ अच्छा बुकिंग नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों हमारी जो रांची से वाराणसी वाली वंदे भारत है इसमें धीरे धीरे अब जो टिकट बुकिंग है वो यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। मतलब ये गाड़ी भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, धीरे धीरे यात्रियों की पसंद बन रही है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ एक ऐसी भी वंदे भारत है जो कि शुरू से ही सुपर हिट हो गई है और यात्रियों को जमकर ये गाड़ी पसंद आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वंदे भारत के रूट के बारे में, आखिर किस रूट पर ये वंदे भारत ट्रेन सुपर हिट साबित हुई है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ और देहरादून के बीच में चलने वाली हमारी नई वंदे भारत के बारे में, जिसका इनॉग्रेशन बीते 12 मार्च को हुआ था और ये गाड़ी 26 मार्च से अपना जो कमर्शियल सर्विस है वो प्रोवाइड कर रही है यात्रियों के लिए। और ये गाड़ी दोस्तों 26 मार्च के बाद से ही यहाँ पर एक बड़ी सुपर हिट ट्रेन साबित हुई है इस पूरे रूट पर। दोस्तों लखनऊ और देहरादून के बीच में चलने वाली हमारी जो वंदे भारत है जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर है 22545 और 22546, और इसी ऑफिशियल ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी हफ्ते के 6 दिन चलती है। और ये गाड़ी जब से अपने कमर्शियल सर्विस में आई है 26 मार्च से, तब से ही इसमें जो टिकट बुकिंग है वो यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिला है। मतलब ऑक्यूपेंसी रेट काफी अच्छा है और शुरू से ही ये गाड़ी एक सुपर हिट नजर आ रही है। बाद में दोस्तों क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन शुरू में इस गाड़ी में जबरदस्त टिकट बुकिंग हो रहा है। और दोस्तों शायद यही रीजन था कि भारतीय रेलवे काफी लंबे समय से प्लानिंग करके बैठा हुआ था लखनऊ और देहरादून के बीच में वंदे भारत को लॉन्च करने के लिए, और आखिरकार 12 मार्च को लॉन्चिंग हुआ। और इंडिया रेलवे का कहीं ना कहीं अंदाजा सही निकला इस रूट पर, और इस रूट पर जो यात्री हैं वो काफी इस ट्रेन को पसंद कर रहे हैं। दोस्तों रेलवे की तरफ से मिले डेटा के बारे में अगर हम बात करें तो देहरादून के लिए नियमित रूप से जो वंदे भारत है वो बीते 26 मार्च यानी कि मंगलवार से दौड़ रही है, और पहले दिन ही अपने कमर्शियल सर्विस के पहले दिन ही ये जो ट्रेन है लखनऊ से देहरादून वाली, इसके सभी की सभी सीटें फुल रही। और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट पहले दिन ही लगभग 41 के पार हो चुका था, मतलब 41 लोगों का जो टिकट है वो इस गाड़ी में कन्फर्म नहीं हो पाया। और दोस्तों इस गाड़ी को लेकर ये भी देखा गया है कि 26 मार्च यानी कि जब से ये गाड़ी कमर्शियल सर्विस में आई है तब से लेके अभी तक की जो गाड़ी है वो बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है इस पूरे रूट पर, यानी कि बिल्कुल समय से लखनऊ से निकल रही है और बिल्कुल अपने ऑन टाइम पर देहरादून पहुंच रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है वंदे भारत को लेकर, जिसकी वजह से जो यात्री हैं वो इस ट्रेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो हमारी वंदे भारत ट्रेनें हैं वो ज्यादातर आपको ऑन टाइम ही देखने को मिलती है। दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ जंक्शन से देहरादून वंदे भारत और इसके अलावा गोमती नगर से पटना के बीच में चलने वाली वंदे भारत को एक साथ ही हरी झंडी दिखाई थी। साथ ही दोस्तों उन्होंने 12 मार्च के दिन ही गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज तक चलाने के लिए भी, मतलब एक्सटेंशन को भी हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन दोस्तों ये जो तीनों वंदे भारत ट्रेनें हैं जो कि यूपी को मिली है इस बार, इसमें से दोस्तों हमारी जो लखनऊ से देहरादून वाली वंदे भारत है ये काफी सुपर हिट रही है। और यहाँ पर गोरखपुर से लखनऊ वाली वंदे भारत को प्रयागराज तक एक्सटेंड करने के बाद भी इसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों को अभी तक तो पता ही नहीं है कि हमारी जो गोरखपुर से लखनऊ वाली वंदे भारत है ये प्रयागराज तक जा रही है, प्रयागराज तक इसका विस्तार हो चुका है। और यही वजह है कि हमारी जो गोरखपुर से लखनऊ वाली वंदे भारत है जो कि फिलहाल प्रयागराज तक चल रही है, इसमें अभी भी जो रिस्पॉन्स है वो कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दोस्तों आगे इस गाड़ी को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा ऐसा उम्मीद जताया गया है, लेकिन फिलहाल जो हमारी लखनऊ से देहरादून वाली वंदे भारत है ये इन सभी वंदे भारत में सबसे ज्यादा सुपरहिट साबित हो रही है। इसके अलावा भी दोस्तों हमारी गोमती नगर से पटना वाली जो वंदे भारत है जो कि सैफ्रॉन लिब्री वाली है, इसमें भी अच्छा टिकट बुकिंग देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों 12 मार्च को लॉन्च की गई जो 10 वंदे भारत थी वो सभी के सभी 10 वंदे भारत के जो रूट हैं उनमें
में से ज्यादातर रूट पर गाड़ियां सक्सेसफुल साबित हो रही है। बाकी यहाँ पर कुछ गिने चुने रूट को अगर हम छोड़ें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी वंदे भारत ट्रेन एक सक्सेसफुल वंदे भारत साबित हो रही है। और दोस्तों लखनऊ से देहरादून वाले रूट पर वंदे भारत का डिमांड कितना ज्यादा था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी लखनऊ से देहरादून वाली वंदे भारत ट्रेन के साथ अभी भी लोग जमकर सेल्फी ले रहे हैं। यानी कि ये ट्रेन 26 मार्च से ही इस रूट पर अपना कमर्शियल सर्विस दे रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिन चलने के बाद भी इसका जो क्रेज है वो काफी ज्यादा दिख रहा है लखनऊ से देहरादून वाले रूट पर, और इसको लेकर जमकर लोग सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। यानी कि हमारी लखनऊ से देहरादून वाली वंदे भारत ट्रेन इस पूरे रूट पर एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। और यहाँ पर अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो लखनऊ से देहरादून वाली वंदे भारत है, इसका टिकट बुकिंग अप्रैल के महीने में भी अच्छी खासी हुई है, और अप्रैल महीने के कुछ डेट में इस गाड़ी में वेटिंग में लग चुका है। यानी कि अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला है लखनऊ से देहरादून वाले रूट पर। और अभी की सिचुएशन की बात करें तो भारतीय रेलवे का जो फैसला है लखनऊ से देहरादून वाले रूट पर वंदे भारत को लॉन्च करने का, ये सही साबित हुआ है। बाकी आगे इसका कैसा रिस्पांस रहता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोच रहा हूं मोस्ट सक्सेसफुल टॉप 10 वंदे भारत के बारे में, तो ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर मुझे आपका राय चाहिए कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों लखनऊ से देहरादून वाली वंदे भारत के बारे में यहीं तक छोटा सा अपडेट, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।